अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका जो डायपोल है इलेक्ट्रिकल डायपोल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले से हम लोग जो देखे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज वर्क डन। मुख्य रूप से आप देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन पर डिपेंड करता है। यदि वर्क नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। यदि फील्ड नहीं है, चार्ज मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं होगा। क्यों? वर्क डन होगा ही नहीं। तो अभी मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोगों ने देखा कि यदि हमारा एक्सियल लाइन पर था, इक्वेटोरियल लाइन पर था, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही पोजीशन में जो भी आपको मिला पोटेंशियल एनर्जी, तो वह पोटेंशियल एनर्जी होने का कारण था कि हम वर्क डन करते थे। तो वर्क डन करते थे इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर देखने को मिलता था। अब यहाँ पर जो बात होने जा रही है कि हम कॉन्टेक्स्ट क्या लें, उसमें आपको मैं बताया कि वहाँ पर हम लोग लेते थे कि इन्फिनिटी पर, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वहाँ पर हमारा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो था वह 0 था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ आप देखे थे, यदि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो ऊपर से यदि कोई ऑब्जेक्ट गिरता था तो पोटेंशियल कहाँ मिनिमम होता था? आप देखते थे कि वह अर्थ के जितना करीब होता था, अर्थ सरफेस पर यदि आ जाता था उसका पोटेंशियल हम लोग मिनिमम देखते थे। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे दूर हम ले जाते थे उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ स्टेबिलिटी की भी बात होती है। यदि अर्थ सरफेस की हम बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पर उसका पोटेंशियल जो है वह मिनिमम है, और जैसे जैसे ऊपर ले जाते हैं वह उसका स्टेबिलिटी जो है वहाँ पर क्या होता है कि स्टेबिलिटी हमारा क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक बच्चा है यहाँ पर, ये अर्थ सरफेस हम बात कर रहे हैं, अर्थ सरफेस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, यदि यह बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है तो यह बच्चा क्या है, स्टेबल पोजीशन में, ये स्टेबल पोजीशन है इसका। इसको इस अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर कर दिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यहाँ पर हम कोई एक डंडा लगाए और डंडा पर बच्चे को बैठा दिए। यहाँ पर यदि बच्चे को बैठाते हैं और बच्चे को बैठा दें, तो बच्चे को बैठा देने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर बच्चा जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में यह अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा जो है यहाँ अनस्टेबल, उसको अनस्टेबिलिटी होगा और डर हो जाएगा उसको, तो ये अनस्टेबिलिटी। तो हम यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि बताना ये चाह रहे हैं कि आप जितना ही आपका जो वर्क डन कम होगा उतना ही कम पोटेंशियल होगा, वर्क डन कम पोटेंशियल कम, ये बातें आपके सामने आई। यहाँ पर एक और बातें मैं करने जा रहा हूँ, सपोज कीजिए कि एक बॉल जो है फुटबॉल को यहाँ रखते हैं और एक फुटबॉल को यहाँ रखते हैं। यहाँ पर यदि फुटबॉल को रख दिए तो ये फुटबॉल आराम से रह जाएगा, ये फुटबॉल जो है यहाँ पर आराम से स्थिर रह जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये हिला, ये यदि कोई तख्ती है, तख्ती पर फुटबॉल को रखें, थोड़ा सा यदि इधर, तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है।
अब इनस्टेबिलिटी क्यों दिखाया? इनस्टेबिलिटी दिखाने का कारण है कि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने वर्क डन किया, ये वर्क डन किया, तो वर्क डन जब किया तो वर्क डन के कारण ये क्या हुआ, यहाँ पोटेंशियल हुआ। तो पोटेंशियल की यदि हम बात करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो यदि यह नंबर वन और नंबर टू करें, ये रिफरेंस पॉइंट में कहाँ बता रहा हूँ, अर्थ सरफेस पर, ये मैं बता रहा हूँ अर्थ सरफेस पर, और ये अर्थ सरफेस से कुछ डिस्टेंस ऊपर है ना, सम हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, सम हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये नंबर एक, नंबर यहाँ वर्क डन किए, इधर ले जाने में वर्क डन किए, तो वह वर्क डन जो है दैट वर्क डन स्टोर्ड एज, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को यदि यहाँ कहें कि बी वन और ये बी टू है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होगा, बी टू ज़्यादा होगा, और जितना ही अधिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही स्टेबिलिटी कम होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या बात करना जा रहे हैं, यहाँ मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा था, तो देखिए यहाँ पर इसका जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की यदि हम बात करते हैं, तो ये डायपोल मोमेंट ये ऐसे जो है, यह यदि इस तरह से होता, ये इस तरह से है, इस तरह से होता तो ये मोर स्टेबल होता, ये मोर स्टेबल होता, और जैसे जैसे ये रिफरेंस लाइन है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी का एक रिफरेंस लाइन कहें, और जैसे जैसे इसको ऊपर ले जाइएगा वैसे वैसे इसका स्टेबिलिटी घटता जा रहा, वैसे वैसे इसका स्टेबिलिटी घटता जा रहा, ठीक है। तो यहाँ से, यहाँ से अब इस जगह है, यहाँ से जो थोड़ा सा और इसको इसे करें तो वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ेगा वह वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो है, यहाँ पर भी हमें कोई रिफरेंस लेना होगा पोटेंशियल को समझने के लिए, क्लियर कट समझने के लिए कोई रेफरेंस लेना होगा, तो वह रेफरेंस आएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे कैसे वह आएगा। तो सबसे पहले वर्क डन, वर्क डन रोटेटिंग डायपोल, रोटेटिंग ए डायपोल, वर्क डन रोटेटिंग ए डायपोल। अब ये वर्क डन हम लोग ले लिए, सपोज कीजिए कि यहाँ ये थीटा है, थीटा से थोड़ा सा और इधर ले गए स्टेबिलिटी से दूर, तो ये थीटा से यहाँ सपोज कीजिए कि ये डी थीटा, यहाँ पर ये ऐसे है, ये थीटा है, अब ये इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ले लिए, यहाँ ये डी थीटा ले लिए, डी थीटा हो गया, तो डी थीटा। अब यहाँ हम लोग लेते हैं क्या, पहले याद कीजिए ट्रांसलेटरी समय में, ट्रांसलेटरी में वर्क डन इक्वल टू होता था फोर्स इंटू फोर्स इंटू फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, तो पहले जो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का काम था वह रोटेटरी मोशन में टॉर्क का है, और डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हम लोग एक्स लेते थे या डी एक्स लेते थे, तो यहाँ पर थीटा या डी थीटा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे डी थीटा। अब हाँ, आप जानते हैं टॉर्क जो यहाँ पर, टॉर्क के लिए पहले हम लोग निकाले टॉर्क का, इससे पहले क्या आया था, तो पी ई साइन थीटा, टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था पी ई साइन थीटा, और फिर यहाँ लेंगे ये डी थीटा, डी थीटा, ठीक है। अब हमको ये थीटा को हम लोग ले रहे हैं कि कोई थीटा वन, यहाँ पर कोई थीटा वन से थीटा टू वर्क डन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम
थीटा वन टू थीटा टू। अब ये W हो जाएगा और W जब हो जाएगा तब यहाँ पर देखिए ये PE साइन थीटा डी थीटा और ये थीटा वन से थीटा टू। ठीक, अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्या कि थीटा वन से थीटा टू जब कर रहे हैं तब अब आगे क्या होगा। तो इसमें हमें एक बात आएगी, क्या बात आएगी कि ये वर्क डन दैट इंप्लाइज W इक्वल्स पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये सिंपल सा हो जाता है। पी ई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा ही नहीं माइनस को बाहर ले लेते हैं। अब हमारे पास थीटा वन और थीटा टू, अब यदि हम यहाँ इसको लिखें तो ये क्या होगा, तो माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। फिर यहाँ पर होगा, इसको अंदर देंगे तो पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये वर्क डन हो गया, वर्क डन पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो एक्सप्रेशन है वह हर हमेशा याद रखने वाला है, याद रखना है, रखना है, इसलिए याद रखना है कि इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे। अब हम आगे जो बढ़ने जा रहे हैं वह एक चीज़ के खोज में, और वह चीज़ का खोज क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वह चीज़ उस चीज़ का खोज क्या है, तो उस चीज़ का खोज है कि हम यहाँ पर पहले पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पर जीरो था, इस रोटेटिंग पोजीशन में जीरो कब होगा इस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं थीटा वन इक्वल टू 90, थीटा टू इक्वल्स थीटा, ठीक है, क्यों थीटा वन 90 क्यों लिए, क्योंकि देखिए ये थीटा वन, ये हम लोगों को मानना होगा कि कॉस 90 पर जो है पोटेंशियल जो है वह क्या होगा, वह जीरो होगा, ये हम मानेंगे कॉस 90 पर पोटेंशियल जो है वह जीरो होगा, ये मानेंगे हम लोग। तो केस हम लोगों का है, तो केस हम लोग ये केस ले रहे हैं, इसको केस वन भी कह सकते हैं, केस वन कहेंगे। इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए इस तरह से, ठीक, ये यहाँ से इसे थीटा वन से, अब देखिए ये थीटा वन 90 हो गया, 90 से इसे थीटा ले लिया। देखिए यहाँ मैं इनिशियल लिया हूँ, यहाँ 90 से इसे थीटा, किसके किसके बीच, तो ये देखिए ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये P का डायरेक्शन है और ये E का डायरेक्शन है। तो ये थीटा वन में ये जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ये आपका 90 डिग्री का है, दूसरा पोजीशन हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, एक डॉट लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, और वह इस तरह से ये डॉट लाइन, ये 90 से यहाँ पर आ गया। अब क्या हो गया, ये अब यहाँ पर आपको हो गया थीटा, पहले क्या था 90, पहले 90 था, ठीक है, 90 से ये मूव किया है, 90 से अब आ गया कहाँ, थीटा पर। अब इसको देखिए, तो ये W इक्वल्स क्या होगा, यहाँ W इक्वल्स हो जाएगा पी ई थीटा वन कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 क्या बना, देखिए मज़ा आ जाएगा, पी ई ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर हो गया माइनस कॉस थीटा,
और ये फाइनली क्या हो गया, माइनस पी ई कॉस थीटा। एक नया चीज आया, ये दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। तो यू इक्वल्स क्या होगा यहाँ पर, यू इक्वल्स यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ। तो यू इक्वल्स यहाँ होगा माइनस पी डॉट ई। देखिए मज़ेदार आ गया मज़ा। पहले क्रॉस प्रोडक्ट आप देखे थे, किसमें क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ देखे थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखे थे हम टॉर्क में, और जब पोटेंशियल एनर्जी आया तो डॉट प्रोडक्ट में बदल गया। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वह डॉट प्रोडक्ट में बदल गया। तो यहाँ पर कभी कभी आता है कि शो पोटेंशियल एनर्जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखें, दूसरा चीज़ क्या कि यदि केस, अब दूसरा ले रहे हैं ये केस टू, केस टू में क्या है कि देखिए यहाँ केस टू में, अब यहाँ वन से ये फाइनल वाला था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको यदि हम करें थीटा वन से लेकर के, थीटा वन से आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे कहाँ तक हम भरें, उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए कि यहाँ हम थीटा वन जीरो ले लें और थीटा टू 90 ले रहे हैं। थीटा वन जीरो और थीटा टू थीटा ले रहे हैं। थीटा वन यदि जीरो लेते हैं, थीटा वन जीरो है ना, ये इसको सपोज कीजिए कि ऐसे ले लिए, पहले ये ऐसे था पी फर्स्ट पोजीशन, ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाए सेकंड पोजीशन हम डॉट से दिखाते हैं, और ये अब आपको है ना ये ऐसे ले लिए, ये आपको पी दिखा रहा, ठीक है, ये यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, देखिए कुछ एंगल बन रहा है थीटा। अब यदि यहाँ होगा तब क्या हो गया, तो पी ई कॉस ऐसा आएगा आपको, जीरो से 180 पर जाएगा, है ना, न्यूमेरिकल आपको आएगा क्या कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल से उसको ले जा करके क्या किए, स्टेबल की ओर ले गए इसको, यहाँ से ऐसे इस पेन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, मज़ा आएगा, ये स्टेबल पोजीशन है इसका 0 डिग्री, और इसको ऐसे घुमाया 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 ऐसे ले 180 आएगा। सवाल बहुत आता है, मैं अभी दूंगा आपको, तो यहीं समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ थीटा पर ही मैं इसको फिक्स किया हूँ, जब थीटा पर फिक्स किया हूँ तो पहले इसको समझ लीजिए। तो थीटा वन हमारा अब क्या हो गया, यहाँ देखिए थीटा वन जीरो, ये थीटा टू यहाँ पर क्या हो गया थीटा, तो कॉस थीटा वन हमारा जीरो माइनस कॉस थीटा टू कॉस थीटा। अब देखिए ये जीरो वन हो गया माइनस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी वन माइनस कॉस थीटा, पी वन माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा ये W था तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो U इक्वल्स पी ई वन माइनस कॉस थीटा। आप तो ध्यान दे दीजिएगा, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कभी कभी यदि बदल दे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, बदल भी सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वन माइनस कॉस थीटा जैसे कैसे,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस टू थीटा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यदि हम चेंज कर दें, हमको वन माइनस कॉस थीटा चाहिए तो इसको इधर लाना है, ध्यान दीजिए, तो इधर यदि लाना होगा तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधी इसको बदलें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, और फिर यहाँ पर आगे करेंगे तो वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि इसको लेंगे तो यह क्या हो सकता है, टू पी ई साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए वन माइनस कॉस थीटा है, टू पी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने की ज़रूरत है, तो दूसरा बन गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये केस, तो एक अलग केस कॉस टू लिया। अब केस वन जो है, जो कि मैं पहले बताया था कि केस वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, इसका बहुत सारे जो हैं सब केसेस आते हैं, तो उस सब केस को हम लोग थोड़ा सा तुलना करें, तो उसको आप समझ गए। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है, लिख लिए, चलिए लिख लिए तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर इसका केस सब केसेस लेते हैं, इसके सब केसेस में आप देखेंगे कि हमको थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी खाली कर रहा हूँ, और फिर देखिए दोनों को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सब केसेस में यहाँ पर एक बात यहाँ ले, पहला सब केसेस, और तुलना भी मैं करूँगा, तुलना यहाँ करूँगा किसका, तो ये टॉर्क ले लेता हूँ और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूँ, दोनों का तुलना करेंगे। पहला केस मैं ले रहा हूँ कब, यहाँ देखिए हमारा दिस वर्क डन जो है, तो इसका U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा है, ध्यान दीजिएगा इसको ले रहे हैं, थीटा इक्वल्स यहाँ पर थीटा को हम लोग देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा जगह इधर बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क, ये टॉर्क यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ यहाँ डायग्राम मैं लूँगा, अलग अलग डायग्राम जो लूँगा तो अलग अलग डायग्राम में देखिए, पहले यहाँ देखिए थीटा इक्वल्स जीरो डिग्री यदि लेते हैं, थीटा इक्वल जीरो डायग्राम में देखिए ये ऐसे है, छोटा छोटा डायग्राम लूँगा, अब देखिए यह इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू मीन्स पी इधर ई भी इधर, थीटा जीरो हो गया। अब इस केस में यह जो केस आया थीटा इक्वल जीरो, पी ई दोनों पैरेलल है, अब टॉर्क जो था वह टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का था पी ई साइन जीरो, जीरो हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा पी ई कॉस जीरो माइनस पी, देखे, तो जब टॉर्क जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ये पहला केस। ठीक है, दूसरा केस थीटा इक्वल टू 180 मीन्स क्या, देखिए ये ऐसे ऐसे इसको ऐसे ही दिखा दें जगह, ये P है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, ठीक है,
अब दोनों के बीच थीटा 180 हो गया, देखिए ये एंटी पैरेलल। तो टॉर्क क्या हो गया, फिर टॉर्क पी ई साइन 180, पी ई साइन 180 दैट इज जीरो। और ये क्या हो गया, तो देखिए माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा प्लस पी, देखिए प्लस पी। और ये जो केस था, ये केस आपका स्टेबल का था, मैक्सिमम नहीं, ये क्लियर करेगा, ये स्टेबल का केस था और ये केस हो गया अनस्टेबल का। ये स्टेबल का केस, ये अनस्टेबल का केस, ठीक है। और दोनों केस में टॉर्क जीरो है। अब केस यहाँ पर बन रहा है तीसरा केस, तीसरा केस क्या होगा, उस तीसरा केस को हम देखते हैं। तीसरा केस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पी हो गया आपका, तो ई और पी के बीच जो है एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो टॉर्क यहाँ पर होगा पी ई साइन 90 और यह हो गया आपको मैक्सिमम, मीन्स पी ई हो गया और पी ई इसका जो हो गया वह मैक्सिमम है। तो यहाँ पर पी साइन 90 पी मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर देखो ये U इक्वल्स माइनस पी ई कॉस 90, कॉस 90 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही देखो कॉस 90 की ये जीरो आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो 90 पर, ये देखिए क्लियर हो गया, यहाँ टॉर्क मैक्सिमम। तो ये केस बना आपका। अब ये केस जब बना, अब हम लोग चलेंगे किधर, न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलेंगे, तो न्यूमेरिकल अब देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो देखिए अब इसको ख़त्म कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कह रहा है कि कोई डायपोल है, ठीक है, कोई डायपोल है और वह डायपोल रखा हुआ है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डायपोल जो है वह, उस डायपोल को एक माइनस 1 माइक्रो, ये माइक्रो कूलम है, दूसरा प्लस 1 माइक्रो कूलम है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वह 1 मीटर का है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो देखिए 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब 1 मीटर के डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब बोलिए क्या कीजिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम लेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ही होगा, तो हम याद कीजिए कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के आधार पर जब यहाँ पर उस रिजल्ट को देखेंगे, तो उस रिजल्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम लेंगे और यू स्टेबल, यू स्टेबल क्या होगा, माइनस पी ई कॉस जीरो, यही था ना, माइनस पी कॉस जीरो। देखिए यहाँ पर पहले में बताया 90 डिग्री हम लोग जो लिए थे एक रेफरेंस में, तो रेफरेंस में 90 लिए, तो वही स्टेबल, यू स्टेबल माइनस पी कॉस जीरो, माइनस पी कॉस जीरो दैट इज माइनस पी। अब इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵, 4 × 10⁵
फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। पी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो पी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आइदर चार्ज तो वन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स और ये डिस्टेंस जो है वन मीटर हो गया तो दैट इज टेन टू द पावर माइनस सिक्स। अब दोनों को यदि कीजिएगा तो माइनस टेन टू द पावर माइनस सिक्स ये हो गया, पी ई हो गया फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव और ये फाइनली हो गया फोर माइनस फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस वन और ये हो गया माइनस पॉइंट फोर जूल। ये हो गया आपका स्टेपल का, ये ऐसा आपको आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें होगा, दूसरा कहता है वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर देखिए दूसरा कहता है कि ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पी का ये पी जो ऐसे था अब इस पी को सीधा वो ऐसे कर दिया या पी ऐसे आ गया दूसरा कंडीशन में तो पी ऐसे आ गया तो यू अनस्टेबल, यू अनस्टेबल यदि कीजिएगा तो देखिए यहाँ पी ई याद कीजिए कॉस जीरो है ना माइनस कॉस 180 होगा, याद कीजिए इनिशियली हम बताए थे यहाँ पर कि ऐसे है ऐसे से ऐसे थे थीटा वन हो गया, ये आपका क्या है थीटा वन और ये आपका क्या है थीटा टू तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू यहाँ प्लस होगा ठीक है। पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू तो कॉस जीरो वन और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस 180 कितना होता है माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू पी हो गया तो ये हो गया टू पी और टू पी जब हो गया तो टू पी होने के बाद सबको वैल्यू फिर रखा हुआ है हमको पहले से ही पता है टू पी और टू पी के कारण यहाँ पर हो गया टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव कितना हो गया चार दुनी आठ तो यह हो जाएगा पॉइंट एट, पॉइंट एट जूल। तो ये देखिए माइनस पॉइंट फोर जूल और प्लस पॉइंट एट जूल, माइनस यदि हो तो समझिए वह स्टेबल है प्लस हो तो वह अनस्टेबल है ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों कंडीशन है आपका। अगला न्यूमेरिकल्स कहता है एन इलेक्ट्रिकल डायपोल कंसिस्ट ऑफ वही वन माइक्रो कूलम एंड माइनस वन माइक्रो कूलम चार्जेस प्लेस्ड इन वन मीटर अपार्ट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ टेन टू द पावर फाइव न्यूटन पर कूलम। इसमें कहता है मैक्सिमम टॉर्क बाय फील्ड ऑन द डायपोल और सेकंड कहता है वर्क डन थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम थीटा इक्वल जीरो। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है तो ये है फिर वही बात, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ फील्ड बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर दो ये वही है ना फील्ड का वैल्यू बदल दिया 10 टू द पावर 5 कर दिया है और ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे पहले कि मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क तो ये हो गया आपका जब P ऐसे हो और E ऐसे हो तो मैक्सिमम टॉर्क यदि पूछ रहा है तो मैक्सिमम टॉर्क दैट इज इक्वल टू P E साइन 90 होगा ही P E। अब देखिए यहाँ पर P का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे कि टू यहाँ पर चार्ज आपका 1 इंटू टेन पर माइनस सिक्स ये चार्ज हो गया और लेंथ जो है वह लेंथ 1 मीटर पर ही है तो लेंथ हो गया 1 मीटर ये इतना कूलम ये इतना मीटर ठीक है ये इतना मीटर और
फिर e का वैल्यू 10^5 देखिए आ गया, दैट इज 1 × 10⁻⁶ × 10⁵, तो यहाँ हो गया 0.1 न्यूटन मीटर, ये आपको टॉर्क मैक्सिमम हो गया, एक हो गया। दूसरा कह रहा है कि फिर वही कि इसको क्या करना होगा, ये पहले दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फील्ड है, फील्ड में ये यहाँ पर ऐसे है, पी पहले ऐसे था और ये ऐसे के बाद ऐसे होते हुए टर्न लिया और फिर ऐसे हो गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ आ गया, अनस्टेबल जब था तो पी θ1 − θ2 2PE बना, तो ये 2PE हम लोग लेंगे, तो 2PE लेंगे तो 2PE का वैल्यू दे देंगे, P का वैल्यू हमको पता है 10⁻⁶, और ये 2 पहले से यहाँ पर आ गया है, E 10⁵ है, इस तरह से ये 0.1 आया, तो 0.2 जूल, ठीक है। 2P जो हो गया तो 0.2 जूल हो जाएगा, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल्स है। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा, कंपेयर किया टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी को, सारी बात मैंने की। अब मुझे लगता है कि ये सवाल आपको, कोई भी सवाल यदि आएगा तो वह नहीं छूटेगा, मुझे ऐसा विश्वास है, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि अगेन अगेन इसको देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको जो है हमसे शेयर करें, ठीक है, कमेंट में लिखें कि सर ये प्रॉब्लम है, और लाइक और सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत होता है एक एक वीडियो बनाने में। धन्यवाद आपका।